वेल माई डर स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मैकनिजम एज प्रस्क्राइब्ड इन लेबर पॉलिसी के पी के पॉलिसी बना दी गई है लेकिन ये देखना ये है कि कैसे एक मैकानिज़म जो है वो डवेल्प किया जाए ताकि पॉलिसी जो हमने तय की है के पी के की लेबर पॉलिसी में उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो इस दिवन में लिखा यह है लेबर पॉलिसी के पी के में कि एक पॉलिसी स्टेयरिंग कमेटी बनाई जाएगी अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ के पी के मिनिस्टर फॉर लेबर और इसका पर्पज ये होगा कि वो जो पॉलिसी है उसकी इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करे प्रोग्रेस को देखे और जो बातें तय की गई हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन करे टारगेट्स को रिव्यू करे और सपोर्ट करे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स को इन इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी माइड स्टूडेंट्स केपीके की लेबर पॉलिसी में लिखा है कि फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरवेंशन प्रपोज्ड इन दिस पॉलिसी इट इज रिकमेंडेड दैट अ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट मस्ट बी स्टेब्लिश थ दी फॉलोइंग मैंडेट जो पहला मैंडेट है इस यूनिट को, तो को दिया जा रहा है जो कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट है वो ये है कि वो फंक्शन करे एज इंप्लीमेंटेशन सेक्रेटेरिएट ऑफ द लेबर पॉलिसी रिव्यू तो यह पहला मैंडेट है जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट को दिया जा रहा है जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट है उसको जो दूसरा मैंडेट दिया जा रहा है वो ये है टू कोआर्डिनेट स स्टेक होल्डर एंड द गवर्नमेंट फॉर टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी गोल माइड स्टूडेंट्स जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट है उसका तीसरा जो मैंडेट है वो ये है कि सपोर्ट द गवर्मेंट डिपार्टमेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग इंटीग्रेशन एफर्ट्स फोर्थ मैंडेट जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट को दिया जा रहा है माइड स्टूडेंट वो है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द अचीवमेंट्स एंड स्पोर्ट द स्टेरिंग कमेटी पॉलिसी Will be reviewed after every two years under the overall coordination of the Labour Policy Steering Committee, my dear students. Now, let's move on to discuss as to what is discussed with regards roles and responsibilities of implementing partners, KBK, Labour Department, my dear students. In this regard, my dear students, Labour Policy that overall coordination, policy integration. पॉलिसी रिव्यू मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट ऑन द इश्यू रिलेटिंग टू इमिग्रेशन के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इंप्लायमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, क्या रिस्पांसिबिलिटीज होंगी वो रिस्पांसिबिलिटीज ये हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट को लुकैक्ट करना है एंश्योर करना है कॉम्पनसेशन के वेजेज जो हैं वो वक्त पर और एज पर लॉ पे हो कोऑर्डिनेशन करनी है सोशल पार्टनर्स के साथ ताकि पॉलिसी एग्जीक्यूशन हो प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑन चाइल्ड और बॉर्डेड लेबर जो हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना है और ये सारे जो हैं एक दूसरे के साथ इन लाइन हो ताकि लेबर पॉलिसी जो है उसमें जो जो पॉलिसीज बनाई हैं वो इंप्लीमेंट हो सके नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस जो केपी के डायरेक्टर जनरल इंप्लॉयिज सोशल सिक्योरिटी है और सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन इस जमन में जो है उसकी जिम्मेदारी क्या है प्रोविजन ऑफ क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज़ टू सिक्योर्ड वर्कर्स इंप्लीमेंट पॉलिसी टारगेट्स रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी केपीके वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी गोल्स एटसेट्रा यह जिम्मेदारी है केपी के डायरेक्टर जनरल इंप्लाईज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की क्या जिम्मेदारियां हैं इंप्लीमेंटेशन की केपी के माइन्स एंड मिनरल डिपार्टमेंट की उनका जिम्मेदारी यह है कि इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी गोल्स रिलेटिंग टू माइन्स डिपार्टमेंट विद द सपोर्ट ऑफ लाइन डिपार्टमेंट माइडियर स्टूडेंट केपी के टेबा की क्या जिम्मेदारी है पॉलिसी गोल्स को अचीव करने में स्किल डेवेलपमेंट को प्रायोरिटी दें और एज पर पॉलिसी गाइडलाइंस आई ए ये जो एस्टेब्लिशमेंट करें आई एल एम आई एंड ए एस इंस्टीट्यूशन की होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इंडीड